हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जोहान और आप देख रहे हैं जोहान टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो हमने फ्लिपकार्ट से एक पेन ड्राइव खरीदी थी, काफ़ी अच्छे चीप प्राइस में खरीदी थी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशन इसके बताऊंगा क्या है, इसकी स्पीड वगैरह किस तरह की है। तो मैं तो आपको सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छी पेन ड्राइव खरीदना चाहते हैं चीप प्राइस में, तो आप इसको ले सकते हैं और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बताते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है और यहाँ पे अनरैप करते हैं इसको हम पेन ड्राइव को। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, इसकी दिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग की गई है, मथुरा रोड न्यू दिल्ली। तो यहाँ देख सकते हैं इसके मॉडल नंबर और कमोडिटी वगैरह लिखे हैं। यहाँ देख सकते हैं मॉडल नंबर, तो अगर आपको खरीदनी है तो मॉडल नंबर का आप ध्यान रखिएगा। USP 2.0 है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं USP 3.0 विंडो सपोर्ट करती है। काफ़ी अच्छी पेन ड्राइव है। अगर मैं आपको चीप रेट में बताऊं, अगर आप अच्छी पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो आप 3.0 के लिए जा सकते हैं, अगर आपका डेटा ट्रांसफर का वर्क रहता है। अगर आप चीप रेट प्राइस में चाहते हैं तो आपको इस पेन ड्राइव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छे मेटालिक डिज़ाइन है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ देख सकते हैं, फिर दूर से भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मेटल फिनिश है। 32 GB के पेन ड्राइव काफ़ी अच्छी है। तो चलिए इसको हम कट करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं, हम इसको यहाँ से कट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह की पेन ड्राइव है। मैं आपको इसकी स्पीड भी बता दूंगा कि किस तरह की स्पीड दे रही है। मैं आपको बताऊँ, मेरा इसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसका पेन ड्राइव का। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ ओनली LED वगैरह के लिए, मूवी यूज़ करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपका डेटा ट्रांसफर का वर्क रहता है तो ये आपके लिए सही नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देख सकते हैं, हमने इसको पेन बाहर निकाला है, में भी कोई प्रॉब्लम, चलिए देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए पेन ड्राइव निकाली और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मेटालिक फिनिश के साथ आती है पेन ड्राइव। यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर LED है तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसका कोई बात नहीं है फ्रेंड। ये 32 GB मेटालिक फिनिश के 32 GB सोनी की पेन ड्राइव है, यहाँ देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं इसकी स्पीड के अगर बारे में बात करूं तो फ्रेंड, मेरी एक वीडियो थी जो मेरी YouTube की वीडियो थी जो मेरी 2.3 GB की थी। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने अब इसके अंदर एक मतलब मूवी डाली थी, वो वाली 2.3 GB की। फ्रेंड, इसके अंदर 10 मिनट लग गए थे। मैं आपको बताऊं, स्पीड तो काफ़ी स्लो है, बट अगर आप जैसे मूवी वगैरह देखने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पेन ड्राइव है। मैं आपको इसका प्राइस बता दूंगा और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। इसमें ये पड़ी थी फ्रेंड्स 366 रुपीज़ की, फ्लिपकार्ट से मैंने ये परचेज़ की थी। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पेन ड्राइव है। यहाँ इसके कुछ इमेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।